वेलकम टू योर चैनल रिनवाला क्रिएटिविटी। और आज मैं ये प्लास्टिक से बनी तार की सुंदर सी गुलदस्ता बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो है स्टिक पाइप की गुलदस्ता। बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक पाइप की रोल चाहिए, एक कपड़ा, फूल जो कि हमारे फ्लावर लगेंगे, एक स्टोव की कटोरी, हरा धागा जो सिलाई वाले धागा रहता है। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे कपड़े को और कपड़े को फोल्ड कर देंगे एक तरफ, स्टोव की कटोरी में लपेटेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। हमेशा कपड़ा हम पाइप के अकॉर्डिंग ही लेंगे, पाइप जिस कलर की रहेगी उसी कलर के कपड़े को हम लपेटेंगे स्टोव की कटोरी में और इस तरह से सुई धागे से बांध देंगे। आप चाहे तो मोटे वाले चूड़ी का भी यूज कर सकते हैं स्टैंड के लिए, लेकिन स्टोव की कटोरी ज़्यादा बेटर रहती है स्टैंड के लिए। और ये देखिए तार है, ये प्लास्टिक पाइप आपको मार्केट में बहुत ही कम दाम में 70-80 रुपीस में परचेस हो जाएगी। और इसे हम तार की लंबाई 3 हाथ लेंगे या फिर 2.25 मीटर लेंगे, ये हिसाब है। और इस तरह से हम 24 पीस काट लेंगे। 24 पीस काटने के बाद जो बच गई तार की पाइप रहती है उसी से ही हम इसे बांधेंगे। प्रत्येक पीस को बीच से लेंगे और बराबर बराबर दोनों तरफ रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पाइप जो मैंने बताया बचा हुआ पाइप था उसी को सिरे से अच्छे से इसको बांध देंगे। गांठ अच्छे से लगाना है ताकि यह खुले ना, और डबल गांठ हर जगह लगेगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। शुरू का गांठ मजबूती से लगना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यह ढीली पड़ जाएगी और खुल जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक है थोड़ा स्लिप होता है, इसलिए हाथ को हमेशा टाइट रखें इसे बनाने में। और ये देखिए दूसरा तार मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से पूरे के पूरे 2400 तारों को हम ऐड करते जाएंगे, बांधते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये 24 तार तैयार हो गया। गूँथ दी हूँ मैं एक लाइन, अब इसी तरह जैसे मैंने एक लाइन तैयार किया अब उसी तरह मैं दूसरी लाइन भी रेडी करूँगी। जब हम गूँथते हैं पाइप को घुमा घुमा के तो इसमें पाक आ जाते हैं जिस कारण से ये फोल्ड होने लगता है, तो इसे छुड़ाने के लिए हमें ऊंचाई पर खड़े होकर और इस तरह से ऑटोमेटिक ये घूमने लगता है और इसका पाक छूट जाता है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने 4 लाइन गूँथ ली है। अब 4 लाइन गूँथने के बाद हमें हर एक पार्ट में 2 बार निकालना है पाइप, एक आगे से एक पीछे से, और हर एक में 2 घुमाव मारना है गांठ जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। पीछे और आगे दोनों तरफ इसे डिवाइड कर दिया गया है, मतलब एक एक पाइप के लड़ी में 2-2 पत्ती निकल रही है। पत्ती का मतलब 2-2 पाइप अलग अलग हो गया, ये बढ़ रहा है समझो। तो ऐसा करने से जो फैलाव आएगा गुलदस्ते में उससे हमारी पत्ती निकलेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे भी 4 लाइन गूँथ लिया है। हमारी जो 24 पाइप थी तो 24 ये डबल हो गई है, यानी कि 48 पाइप हो गई है। तो 48 और एक जो छोड़ बचा 49, यानी कि 7-7 49, 7-7 49, तो हमारा 49 पीस हो गया। तो 7 पत्ती 7-7 का लड़ी का बनेगा, हम 7 भाग में डिवाइड कर देंगे इन पत्तियों को, 49 पत्तियों को। इस तरह से हमारा 7 पत्ती निकल जाएगा और इस तरह से गूँथते जाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो 1 लाइक ज़रूर से कर दें और मुझे सपोर्ट ज़रूर से करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और ये जब हम गूँथते हैं तो ध्यान रहे कि हमारा हाथ बिल्कुल टाइट चलना चाहिए, नहीं तो फाँक फाँक रह जाएगा छेद छेद। और इस तरह से ये देखिए मैंने सारी पत्तियों को गूँथ दिया है, किनारे से लेंगे एक एक पत्ती और एक एक पत्ती से सारी पत्तियों को गूँथ देंगे सारे पाइपों के जो निकले हुए हैं। अब जितनी भी पत्तियाँ हैं
सारी पत्तियों को अच्छे से गूंथ लेंगे। 7 पत्ती हमारी तैयार हो गई। अब इन 7 ही पत्तियों को जो हम छोड़ है उसे क्या करेंगे, नीचे उसके जस्ट सीध में जो बड़ा सा होल रहता है उसमें डाल देंगे, और डाल के सब पत्तियों के जो भी छोड़ है उसे बराबर से हाथ से करके हम कट कर देंगे। एक बराबर दूरी नाप लेंगे पहले कितना तक हमें रखना है, उसके कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। पहले इसे धागे से अच्छे से बांध देंगे इकट्ठा करके, ताकि यह फैलाव जो इसका रहता है गुलदस्ता का शेप में आ जाए। और इसमें सुई धागे से ही फ्लावर हम लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और फ्लावर ये इस तरह से फ्लावर हम लगाएंगे तो हमारा फ्लावर कभी भी निकलेगा नहीं, झड़ेगा नहीं। और इसे हम वाश भी कर सकते हैं गंदे होने पर। तो ये बन गई हमारे प्यारे से प्लास्टिक के गुलदस्ता। तो कैसी लगी आज की वीडियो? मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सभी भी घर पे इसे बना सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि कैसी लगी आज की वीडियो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।